सभी को नमस्ते और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे देश में माहौल गर्मा रहा है, विभिन्न विषयों पर विशेष रूप से ज्ञानवापी का निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का। क्षमा चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया, निचली अदालत का है। और वैसे ही मथुरा में भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है, तो आज हम इन पर चर्चा करेंगे। तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ सकें। जी, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा है, उस ढांचे से, उस बदनुमा धब्बे से जुड़ा हुआ है जहां पर किसी समय काशी विश्वनाथ मंदिर हुआ करता था। आज वहां पर एक मस्जिद है जिसे क्लेम किया जाता है कि वो मस्जिद है। और वहां पर पिछले कुछ दिनों से जो एक नौटंकी देखने को मिल रही थी कि जो अमन के फरिश्ते थे उनका कहना था कि हम यहाँ पर अदालत को सर्वे नहीं करने देंगे, तो आज उनके मुंह पर जो न्यायालय है उन्होंने तमाचा जड़ते हुए उनकी याचिका को एक तरह से दरकिनार कर दिया है। हालांकि उन्होंने कहा ये था कि जो अभी आपने कमिश्नर नियुक्त किया है वो हमें हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं काम कर रहा, पक्षपात कर रहा है, उसे बदल दीजिए। तो अदालत का कहना है कि हम उसे बदलेंगे नहीं, लेकिन साथ में दो और उन्होंने अटैच कर दिए अजय मिश्रा जी के साथ, कि ये भी साथ में रहेंगे। और दूसरा वो ये शोर मचा रहे थे कि जो वीडियोग्राफी की जानी है वो कहाँ कहाँ पर की जा सकती है, कहाँ की जाएगी। तो उसके लिए अदालत ने कहा है कि एक एक इंच हर चप्पे की वीडियोग्राफी की जाएगी और उसकी जो रिपोर्ट है वो तैयार करके 17 तारीख यानी मंगलवार तक वहां पर सबमिट की जाएगी। तो ये तो जो न्यायालय में चल रहा है, अदालत में चल रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन आज हम इस विषय पर बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक वेस्टेड ग्रुप है, एक मक्कारों का ग्रुप है, गद्दारों का गिरोह है, जो सदा से जिसका प्रयास यही रहा है कि हम कभी भी सच्चाई ना जान सके। और ये काम आजादी से पहले ही शुरू हुआ था, जिसे हम तथाकथित आजादी कहते हैं हमारी, उससे पहले ही इस तरह का षड्यंत्र शुरू हो गया था। और इसके लिए मैं एक बार फिर से आपसे निवेदन करूंगा, आप कल्पना करके देखें। आज हम, ये सोशल मीडिया है तो इसलिए बात कर पा रहे हैं, लेकिन आज से 20 साल पहले बहुत एक सफोकेटिंग, जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं ना, दम घोटने वाला एटमॉस्फेयर था कि जिन गद्दारों के पास, जिन मक्कारों के पास कोई प्लेटफॉर्म होता था बात करने का, वो रोमिला थापर हो सकती थी, वो कोई पॉलिटिशियन हो सकता था, वो अपनी बात हमें सुना देते थे, झूठ होता था, लेकिन हमारी विवशता होती थी कि हम सुनेंगे, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ये जो क्रूरता चली आ रही है 100 वर्षों से, आ कम से कम 100 वर्ष से चली आ रही है, गांधी के समय से आ रही है। तो उन्होंने एक सबसे इलेबोरेट प्लान बनाया, एक इतने बड़े, आज हम 140 करोड़ हैं, कि करोड़ों लोगों को सदा के लिए कैसे मूर्ख बना के रखा जा सकता है, कैसे उनकी उनके लिए सच्चाई को कुचल के रखा जा सकता है, कि लिखने के लिए सत्यमेव जयते जैसे वाक्य लिखे जाते थे, लेकिन वास्तविकता में उनके पीछे हर तरह की मक्कारी हमारी स्टेट ने, स्टेट के सारे जो ऑपरेटिव्स थे, जितने उसके लिम्स थे, उन सब ने हमारे साथ की है। शुरू, जैसे मैंने पहले ही बोला कि गांधी के समय से शुरू हो गया था। तो आज इसकी चर्चा करने का उद्देश्य क्या है कि एक हमारे यहाँ पर पत्रकार था जो पॉलिटिशियन बन गया था, अरविंद केजरीवाल का साथी बन गया था आशुतोष, उसका एक चैनल है सत्य हिंदी करके, हाँ सत्य हिंदी, उस पर उसने एक मजमा लगा रखा था, भीड़ जमाई हुई थी, और वहां पर वो बता रहे थे कि काशी विश्वनाथ जो मंदिर तोड़ा गया है वो क्यों तोड़ा गया है। जरा पहले आप सुन लें, लगभग 2 मिनट का क्लिप है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। यहां पर एक लखनऊ
या इलाहाबाद, अभी सामने दिख जाएगा, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। तो आप प्रोफेसर का लेवल देखिएगा क्या है, हम उस पर चर्चा करते हैं। होता है कि उत्तर भारत के जितने हिंदू मंदिर हैं उनमें से संभवतः 90% ये इसी काल खंड के बने हुए। दो चार आप मंदिर उठा करके आप कह सकते हैं कि ये और प्राचीन हैं, अन्यथा आप अयोध्या में, मथुरा में, यहां तक कि काशी में जितने मंदिर हैं वो अधिकांश मंदिर इसी मध्यकाल के समय के निर्मित हैं, जब वो सल्तनत काल था और मुगल काल था। और इस मस्जिद का तो ताल्लुक औरंगजेब से है, 1669 में शायद इसकी तामीर की गई। जिन 5 महिलाओं ने पिटीशन दाखिल की है, मैं उसके तरफ थोड़ा सा आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। पट्टाभी सीतारमैया की एक किताब है, फेदर्स एंड स्टोन्स, उसमें उन्होंने इसके पीछे की कहानी लिखी है। मैं कहानी इसलिए कह रहा हूं कि उसके पास उसमें बहुत फैक्ट्स नहीं है या मैं उसको साबित नहीं कर सकता। वो ये कहते हैं कि औरंगजेब जब बादशाह है और वो काशी से गुजर रहा है अपने लाओ लश्कर के साथ, तो उसमें बहुत सारे हिंदू राजा और रानियां ये सब हैं। तो जब वो काशी से गुजरते हैं तो ये होता है कि साहब हम लोग काशी से गुजर रहे हैं तो यहाँ पर न सिर्फ विश्राम किया जाए बल्कि गंगा में स्नान भी किया जाए और विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की जाए। वहीं पर एक कक्ष की रानी है जो गुम हो जाती है, तमाम महिलाएं स्नान करने जाती है, मंदिर में पूजा करने जाती है। उसके बाद जब ढूंढा गया तो गर्भगृह के नीचे जो स्थान है उसमें वो नग्न अवस्था में मिलती है और उसके साथ रेप वगैरह किया गया था। औरंगजेब को गुस्सा आता है, वो ये कहता है कि इस तरह से जो पंडित पुजारी हैं ये जो काम कर रहे हैं तो ऐसी जगह पर मंदिर होना ही नहीं चाहिए। मंदिर वो तोड़ा जाता है, लेकिन वही कक्ष की रानी ये कहती है कि नहीं साहब ये गलत हो रहा है, मंदिर फिर से बना दिया जाए। तो जो उसका बनारस फरमान है उसमें वो लिखता है औरंगजेब, वो कहता है कि नहीं मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं हो सकता है, इसलिए वो मस्जिद को बना देता है ये उस रानी की इच्छा के अनुसार। ये उसकी कहानी है जैसे पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा। अब उसके पीछे और हकीकत क्या है? तो ये जो महिलाएं हैं उन्हें यही नहीं मालूम है कि इस मस्जिद के तामीर के पीछे की कहानी क्या है। और ये और वो जो उस कहानी में है, आज के पंडित पुजारी क्या कर रहे हैं? आपने इसका जहर सुन लिया होगा कि सीता भी पट्टारमैया की बात करता है और उसके नाम पर जो झूठ उसने लिखा वो झूठ यहाँ पर प्रोपेगेट कर रहा है। अब ये इनका, ये हमारे देश में सारे का सारा जो टेम्पलेट है हिस्ट्री का वो ऐसे ही चलता है कि कोई एक व्यक्ति झूठ लिखेगा, फिर उसको कोट करके कोई दूसरा बात करेगा, उसको तीसरा करेगा, उसी को फैला दिया जाएगा और आम लोग उसे सच मान लेंगे, क्योंकि आम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो सच को किस तरह से जानने का प्रयास कर सकते हैं। अब ये कैसे किया गया? सीता भी, ये पट्टा भी सीतारमैया कौन था? महात्मा गांधी, दुरात्मा गांधी का खास चेला। ये वो चेला था जो सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध लड़ा था गांधी के कहने पर, क्योंकि गांधी का उद्देश्य उस समय था नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से हराना। और उन्होंने तब ये कहा था कि जो पट्टाभी सीतारमैया को वोट कर रहा है वो मुझे वोट कर रहा है और जो उसे नहीं कर रहा वो मुझे नहीं कर रहा। उन्होंने अपना एक प्रेस्टीज इशू बना रखा था। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि गांधी के कितना क्लोज था ये आदमी, जिसे सत्य और अहिंसा का पुजारी कहा जाता है। उसके सत्य पे भी अभी आएंगे। तो अल्टीमेटली नेताजी जीते और ये जो पट्टाभी सीतारमैया है ये हार गया था। ये तो हुआ एक एस्पेक्ट, लेकिन ये जो इनका झूठ मक्कारी गुंडागर्दी है ये कैसे चलती आ रही है, उसके लिए हम ये किताब देखते हैं इनकी, फेदर्स एंड स्टोन्स। उसका मैं आपको रेफरेंस यहाँ शेयर करता हूँ। ये किताब है जी, फेदर्स एंड स्टोन्स बाय पट्टाभी सीतारमैया। ये कब लिखी इसने? जिस समय ये जेल में बंद था, क्योंकि वो जो क्विट इंडिया मूवमेंट हो रही थी उसमें ये भी पार्टिसिपेंट था। तो अंग्रेजों का क्या पैटर्न था, क्या इनकी सांठगांठ थी अंग्रेजों के साथ, कि आम लोगों की सड़कों पर पिटाई की जाती थी, उन्हें गोलियां मारी जाती थी
और गांधी और उसके चमचों को उठा के जेल में डाल दिया जाता था, जहां पर वो बैठ के फिर बुक्स लिखा करते थे। लेकिन भगत सिंह को फांसी चढ़ा दी जाती थी, वीर सावरकर को काला पानी भेज दिया जाता था, ऊधम सिंह को मार दिया जाता था, लेकिन ये जो थे गांधी के चेले चांटे, ये सारे के सारे जेलों में बैठ के किताबें लिखते थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इनकी कैसी जेल थी और क्या इनकी सांठगांठ थी। और ये किताब भी इसने जेल में बैठ के लिखी है, और वहां पर ये क्या कर रहा, क्या किताब लिखता है, उस पे आते हैं। ये है जी पेज नंबर 177। देर इज अ पॉपुलर बिलीव दैट औरंगजेब वॉज अ बिगट इन रिलीजन, दिस हाउ एवर इज कम्बैटेड बाय अ सर्टन स्कूल। अब ये समझ लीजिए कि इन्हें भी पता है कि झूठ बोल रहे हैं, जैसे ये जो जिस प्रोफेसर का मैंने आपको सुनाया, उसे भी पता है कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर डाल देते हैं, लेकिन चलाते उसी झूठ को। तो दिस हाउ एवर इज कॉम्बैटेड बाई अ सर्टेन स्कूल, हिज बिगटरी इज इलस्ट्रेटेड बाई वन और टू इंस्टांसेस। द बिल्डिंग ऑफ अ मॉस्क ओवर द साइट ऑफ द ओरिजिनल काशी विश्वेश्वर टेम्पल इज वन सच, ए लाइक मॉस्क इन मथुरा इज अनदर, द रिवाइवल ऑफ जिजिया इज अ थर्ड बट अ डिफरेंट ऑर्डर। तो जितना उसने 50 साल में औरंगजेब ने क्रूरता की, सबसे पहला स्टेप होता है उसे समेट के 2-3 इंसिडेंट्स पे लिमिट कर देना। तो इसने क्या किया पट्टाभि सीतारमैया ने, 3 इंस्टांस बता दी। एक तो इसने के जो काशी विश्वनाथ का मंदिर था वो तोड़ा, एक मथुरा का मंदिर तोड़ा, और तीसरा जो है जिजिया हटा, जिजिया लगा दिया। फिर उनको किस तरह से, तो पहला कि जो उसके हजारों मंदिर तोड़ लेंगे स्टांस से, उन्हें 2 पे ले आइए, और जिजिया जो इतना भयंकर काम था उसको फिर वाटर डाउन करने की कोशिश करें। तो वो कैसे करते हैं, अ स्टोरी इज टोल्ड इन एक्सटेन्यूएशन ऑफ द फर्स्ट इवेंट। फर्स्ट इवेंट कौन सा, काशी विश्वनाथ मंदिर का। इन द हाइट ऑफ हिज ग्लोरी औरंगजेब लाइक एनी फॉरेन किंग इन अ कंट्री had in his entourage a number of Hindu nobles. They all set out one day to see the sacred temple of Banaras. Amongst them was a Rani of Kutch. When the party returned after visiting the temple, the Rani of Kutch was missing. They searched for her in and out, east, north, west and south, but no trace of her was noticeable. At last, a more diligent search revealed a tehkhana or an underground story of the temple, which to all appearances had only 2 stories. When the passage to it was found barred, अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वो बता रहा है कि तहखाना है, तहखाने में कैसे पहुंच रहे हैं, कि उसका जो रास्ता है वो बंद किया हुआ है, was barred. They broke open the doors, उन्होंने दरवाजे खोले, और अंदर जो रानी थी वो बेचारी डरी सहमी थी और उसकी ज्वेलरी नहीं थी। अब पहली चीज तो यहाँ नोटिस कर लीजिए कि सीतारमैया कह रहा है कि उसके पास ज्वेलरी नहीं थी और वो घबराई हुई थी। वो आपको क्या कह रहा है, दर्शकों को क्या बता रहा है, कि नग्न अवस्था में मिली, उसका बलात्कार हो चुका था। तो वो बचपन में आपको याद होगा एक गेम खेला जाता था कि एक के कान में कुछ बोला जाएगा, वो बात धीरे 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 आगे चलते चलते एंड तक पहुंचती है तो बिल्कुल पलट जाती है। आम आदमी, आम लोग ये करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन ये जो कहने को प्रोफेसर है वो किसी चैनल पे बैठ के जब ऐसा झूठ बोलते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। अभी आगे चलते हैं। इट टर्नड आउट दैट महंस वर इन द हैबिट ऑफ पिकिंग आउट वेल्दी एंड बिज्यूड पिलग्रिम्स एंड इन गाइडिंग देम टू सी द टेम्पल, डेकोइंग देम टू द अंडरग्राउंड सेलर एंड रॉबिंग देम ऑफ देयर ज्वेलरी। What exactly would have happened to their life, one did not know. Anyhow, in this case, there was no time for mischief as the search was diligent and prompt. On discovering the wickedness of the priests, Aurangzeb declared that such a scene of robbery could not be the house of God and ordered it to be forthwith demolished. And the ruins were left there, but the Rani who was thus saved insisted on a masjid being built. So, kahani hai ji ki जो महंत हैं वो गुंडे बदमाश होते हैं, वो चोर उचक्के हैं, वो बलात्कारी हैं। तो उन्होंने तहखाना बना रखा था जहां पर जब सज धज के जो महिलाएं बहुत सारे गहने पहन के आती थी उन्हें बहाना बनाकर वो तहखाने में ले जाते थे और वहां पर उनके साथ लूटपाट करते थे। और क्या करते थे उसका पता नहीं, इस केस में उन्हें करने का मौका नहीं मिला क्योंकि औरंगजेब के सैनिकों ने
फटाफट से रानी को निकाल दिया। तो औरंगजेब साहब को गुस्सा आया, क्योंकि वो तो धर्म की प्रतिमूर्ति था। उसे लगा कि इतना बुरा काम जहां पे हुआ वो भगवान का घर नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसे ऐसे ट्रांसलेट करेंगे ना, गॉड को तो हम भगवान बोलेंगे, तो इसलिए उसने बोला कि इसे डिमोलिश कर दिया जाए। तो इस पर उस भोली भाली रानी ने कहा कि नहीं, यहां पर आप मस्जिद खड़ी कर दीजिए। तो औरंगजेब, जो कि धर्म की प्रतिमूर्ति है, उसने फिर उसकी इच्छा के अनुसार वहां पर मस्जिद खड़ी कर दी। देखिए, एंड द रुइंस वर लेफ्ट देयर, बट द रानी हु वाज द सेव्ड इंसिस्टेड ऑन अ मस्जिद बीइंग बिल्ट ऑन द रुइंड, एंड टू प्लीज हर वन वाज सबसीक्वेंटली बिल्ट। दिस इज हाउ अ मस्जिद हैज कम टू एग्जिस्ट बाय द साइड ऑफ काशी विश्वेश्वर टेम्पल, विच इज नो टेम्पल इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, बट अ हम्बल कॉटेज। तो इस तरह से ये गेम खेला जाता है जी, कि हमें बता रहे हैं कि औरंगजेब जो था वो इतना भोला व्यक्ति था कि उसने रानी के कहने पर वहां पर मस्जिद बना दी। है कमाल की बात, लेकिन अभी और कमाल आगे आएगा, उसे भी देखिए। हाँ, वहीं से चलते हैं। विच इज नो रियल टेम्पल इन रियल सेंस ऑफ द टर्म, बट अ हम्बल कॉटेज इन विच द मार्बल शिवलिंग इज हाउस्ड, नथिंग इज नोन अबाउट द मथुरा टेम्पल। तो ये हमारे जो इतिहासकार पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी के चमचे जेल में बैठ के लिख रहे हैं, जिनके पास सारी किताबें, संसार भर का लिटरेचर उपलब्ध है, लेकिन मथुरा में क्या हुआ था उनको पता नहीं। तो जो हजारों स्टैंड्स थे उनको तीन पे समेटा, फिर काशी मंदिर क्यों गिराया गया, क्योंकि महंत उसमें विलेन थे, मथुरा के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो उसके बाद आगे फिर चलिए। दिस स्टोरी ऑफ द बनारस मस्जिद वाज गिवन इन अ रेयर मैन्युस्क्रिप्ट इन लखनऊ, विच वॉज इन द पोजिशन ऑफ अ रिस्पेक्टेड मुल्ला, who had read it in the manuscript, and who, though he promised to look it up and give the manuscript to a friend to whom he had narrated the story, died without fulfilling his promise. The story is little known, and the prejudice we are told against Aurangzeb persists. तो ये इनका कमाल है कि महंत चोर होते हैं, लेकिन एक respectable मुल्ला था, उसने इन्हें कहानी बताई ये वाली। उसके पास एक पांडुलिपि थी ओरिजिनल, जिसमें सारा कुछ लिखा गया था, और उसने कहा था कि मैं वो आपको दे दूंगा, लेकिन वो देने से पहले ही वो मर गया, इसलिए वो पांडुलिपि हमारे पास नहीं है। तो इन झूठों के आधार पर कहानी बनाई जाती है, वो कहानी आज तक चल रही है, जो उसने आजादी से पहले जेल में बैठ के लिखी। लेकिन वो कैसे होती है, वो आशुतोष तक कैसे पहुंचती है, या इस प्रोफेसर तक कैसे पहुंचती है, बीच में और बहुत सारी कड़ियां जुड़ती। एक पॉलिटिशियन था बिशंभर नाथ पांडे, कांग्रेसी। ओ, ये सब कांग्रेसियों के किए हुए हैं, हालांकि आजकल नई जो पार्टियां वो भी लगभग इसी लाइन पर चल रहे हैं, लेकिन पुराने तो सारे जो गुनाह वो कांग्रेसों ने किए हैं। तो पहले हम देखते हैं जी, ये बिशंभर नाथ पांडे कौन है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। तो उनके साथ थोड़ा सा हम इनका स्टेटस में शेयर करना चाहूंगा, ताकि हमें पता हो कि मक्कार और गद्दार किस लेवल तक हमारे समाज में है और क्या क्या हमें झेलना पड़ा है आज तक। ये है जी बिशंभर नाथ पांडे, वॉज अ फ्रीडम फाइटर, सोशल वर्कर एंड पार्लियामेंटेरियन इन इंडिया, Devoted his life to cause of national integration and to spread Gandhian way of life. तो Gandhian क्या होता है आप समझ ही गए होंगे, कि पूरी बेशर्मी से झूठ बोलना, जो राक्षस हैं उनको शांति का मजहब बताना। और अब आगे चलिए, member of Indian National Congress, close associate of जवाहरलाल नेहरू, और first जवाहरलाल नेहरू का तो था, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और सोनिया गांधी का भी चमचा था एक खास। और 18 साल तक वाइस चेयरमैन ऑफ गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति रहता है, इसे पद्मश्री भी मिला हुआ है, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन भी मिला हुआ है, और उसे लाइफ टाइम अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी मिला हुआ है। तो इतना महान आदमी था ये, और इसने बहुत सारी पोस्ट पे रहा है, और ये गवर्नर ऑफ उड़ीसा भी रह चुका है, 5 वर्ष तक गवर्नर था, राज्यसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा है,
1976 से 1984, 8 साल तो ये हो जाते हैं, और फिर यहाँ 11 साल, 20 साल तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा। अब आप सोच के देखिए कि किस लेवल के झूठे और मक्कार हमारे देश में उच्च पदों पर आसीन थे। अब ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसने भी किताब लिखी है, ये इसकी किताब है जी, इस्लाम एंड इंडियन कल्चर। और जब ये किताब लिखते हैं तो उसमें देखिए, किताब लिखने की दो कैटेगरीज होती है, स्पेशली जब आप हिस्ट्री को डील करते हैं। एक होता है कि आप बताते हैं भाई ये मैंने सोचा है, ये मैंने सुना है, उसको लिख रहा हूं। दूसरा होता है कि आप रिसर्च करके बताते हैं कि ये इस तरह से हुआ है। तो ये इसकी किताब, या अपनी किताब को किस कैटेगरी में रखवाना चाहता है, उसके लिए मैं आपके साथ इसकी किताब का एक स्क्रीनशॉट शेयर करने की ट्राई करता हूं। यहां है मेरे पास ये, क्योंकि एक तो होता है कि हमने अपनी तरफ से बताया कि ऐसा इतिहास रहा होगा, दूसरा होता है कि लोग ये क्लेम करते हैं कि ये सीरियस हिस्ट्री है, ये मैं ऐसी नहीं कि अपने मन से बात बता रहा हूँ, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के आधार पे बता रहा हूँ। तो ये श्रीमान ने जो पुस्तक लिखी है वो उस कैटेगरी में आती है, या कम से कम ये चाहते यही थे कि उस कैटेगरी में आए। तो ये देखिए, इस तरह से हर चीज के रेफरेंसेस दे रहे हैं साथ में, तो इसलिए आप इसे हल्के में नहीं ले सकते। एक बार पुनः दोहरा रहा हूं, हल्के में ना लेने का कारण, टॉप मोस्ट पॉलिटिशियन गवर्नर रह चुका है, राज्यसभा मेंबर रह चुका है, और सीरियस बुक लिखता है रिसर्च करके। ये क्या बता रहा है, अब इस पे आइए। विच प्रूव बियॉन्ड डाउट दैट औरंगजेब डिड ऑर्डर डेमोलिशन ऑफ विश्वनाथ टेम्पल। हाँ, इसमें एक चीज और बता दूं कि जो दो किताबें मैं शेयर कर रहा हूँ, सीतारमैया की और बी एन पांडे की, दोनों का प्रमुख उद्देश्य ये बताना है कि मुगल, और मुगलों में औरंगजेब भी आ जाता है, बड़े अच्छे लोग थे, इन्होंने बड़े अच्छे से शासन चलाया है। और देखिए, ये जिस समय फ्रॉड कर रहे थे, इन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि सोशल मीडिया आएगा और लोगों के पास इतनी पावर होगी कि लोग असलियत जान सकेंगे। ये झूठ तभी तक चलता रहा ना, और उन्होंने तो अपनी ओर से परफेक्ट क्राइम खेला था ये हमारे साथ। आज हम उसको डिटेक्ट करके सामने रख पा रहे हैं, इसलिए ये मत सोचिए कि उनका क्राइम छोटा हो जाता है। तो और आप पूरी टोन देखेंगे ना, तो कैसे बताने की कोशिश करते हैं, हाँ ऐसा कहा जाता है लेकिन वास्तविकता ये थी। तो उसी टोन में आप ये देखिए जरा, टेक द इंस्टांसेस विच प्रूव बियॉन्ड डाउट दैट औरंगजेब डिड ऑर्डर डेमोलिशन ऑफ विश्वनाथ टेम्पल एट वाराणसी एंड द जामा मस्जिद एट गोलकोंडा। अब ये स्पेशल चालाकी होती है कि साथ में गोलकोंडा मस्जिद का एग्जाम्पल जरूर डाल दें कि अगर उसने एक मंदिर तोड़ा था तो एक मस्जिद भी तोड़ी थी, इसलिए आप ये सोचते ना कि अगर वो कट्टर था तो ऐसा नहीं है। आगे देखिए, एंड द रीजंस दैट वर गिवन आउट फॉर द डेमोलिशन ऑफ टेंपल एंड द मॉस्क मे गिव बेनिफिट ऑफ सर्कमस्टांसेस टू औरंगजेब। द स्टोरी रिगार्डिंग डेमोलिशन ऑफ विश्वनाथ टेंपल इज दैट व्हाइल औरंगजेब वाज पासिंग नियर वाराणसी ऑन हिज वे टू बंगाल। अब देखिए, सीतारमैया ने क्या बोला, क्यों वाराणसी जा रहे थे, इसने एक नई चीज ऐड कर दी कि वो बंगाल जा रहे थे और रास्ते में वाराणसी रुके। वास्तविकता क्या है, अपने पूरे जीवन में औरंगजेब कभी बंगाल नहीं गया, कभी काशी भी नहीं गया। तो यहीं से समझ आ जाता है कितना बड़ा झूठ है ये। द हिंदू राजास इन हिज रिटेन्यू रिक्वेस्टेड दैट इफ द हॉल्ट वाज मेड फॉर अ डे देयर रानीज मे गो टू वाराणसी हैव अ डिप इन द गैंजेस एंड पे देयर होमेज टू लॉर्ड विश्वनाथ। औरंगजेब रेडिली एग्रीड। औरंगजेब बड़ा अच्छा आदमी था, सच बड़ी जल्दी से मान जाता था बातें। आर्मी पिकेट्स वर पोस्टेड ऑन द 5 माइल रूट टू वाराणसी। द रानीज मेड अ जर्नी ऑन द पालकीज। अब ये सारा उसको डिटेल में बता रहा है कि रानियां पालकी में बैठ के जा रही हैं, औरंगजेब ने उनको परमिशन दे दी है। ये आगे नमक मिर्च लगा के पेश कर रहा है। दे टुक देयर डिप इन द गंगा एंड वेंट टू विश्वनाथ टेंपल टू पे देयर होमेज। आफ्टर ऑफरिंग पूजा ऑल द रानीज रिटर्न एक्सेप्ट वन, द महारानी ऑफ कच्छ। अ थॉरो सर्च वॉज मेड ऑफ द टेम्पल प्रिसिंक्ट्स बट द रानी वॉज टू बी फाउंड नो वेयर। व्हेन औरंगजेब केम टू नो ऑफ इट ही वॉज वेरी मच एनरेज्ड। मतलब जो जिस जिनकी पूरी परंपरा ही बलात्कारों पर आधारित है, उसे गुस्सा आ गया कि एक रानी कैसे छिपी रह सकती है। ही सेंट हिज सीनियर ऑफिसर्स टू सर्च फॉर द रानी अल्टीमेटली। हाँ, अब यहां पर कहानी में ट्विस्ट देखिए कैसे आएगा। सीतारमैया ने क्या बोला कि एक तहखाने की ओर रास्ता जाता था जो ब्लॉक कर रखा, इसने उसको ड्रामेटिक टर्न दे दिया। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे ना,
तो जो विलेन हुआ करते थे वो कहीं पे एक अलग सी बिल्डिंग में रहा करते थे, जहाँ अलग तरह के रंग रंगों के बल्ब चमक रहे होते थे, कहीं किसी मूर्ति को घुमाते थे, कोई लिवर घुमाते थे, तो एक तहखाने खुलते थे। तो इसने वही रंग यहाँ पे दिया है। दे फाउंड दैट द स्टैचू ऑफ द गणेश विच वॉज फिक्स्ड इन द वॉल वॉज मूवेबल वन व्हेन द स्टैचू वॉज मूव्ड दे सॉ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स दैट लेड टू द बेसमेंट टू देयर हॉरर दे फाउंड द मिसिंग रानी डिसऑनर्ड एंड क्राइंग। ये यहां से आ जाता है। जो सीतारामैया ने लिखा है उसने डिसऑनर नहीं लिखा था, लेकिन यहां पर क्योंकि अब नमक मिर्च लगाया जाना है तो यहां पर रानी से बलात्कार भी हो गया और वो रो भी रही है। वो क्या बता रहा था? वो रो नहीं रही थी तब उसके केवल होश उड़े हुए, उसके रंग उड़े हुए थे। शी वॉज पेल। द बेसमेंट वॉज जस्ट बीनीथ लॉर्ड विश्वनाथ सीट। द राजा एक्सप्रेस्ड देयर वॉसिफरस प्रोटेस्ट एज द क्राइम वॉज हीनियस द राजा डिमांडेड। अब यहां पर राजा डिमांड कर रहे हैं, वहां पर औरंगजेब ने कहा था एग्जाम्पलरी एक्शन। औरंगजेब ऑर्डर दैट एज द सीक्रेट प्रिसिंक्ट्स हैव बीन डिस्पॉइल्ड लॉर्ड विश्वनाथ मे बी मूव्ड टू सम अदर प्लेस द टेम्पल बी रेज्ड टू द ग्राउंड एंड द महंत बी अरेस्टेड एंड पनिश्ड। तो दिस इज हाउ द सर्कल ऑफ लाइज गेट्स कंप्लीटेड। गांधी के चेले ने झूठी किताब लिखी, नेहरू के चेले ने उसको देख के नई किताब लिखी, उसमें नमक मिर्च लगा दिया, और आज केजरीवाल का जो चेला है वो अपने चैनल पे बैठ के उसी चीज को प्रोपेगेट करता है। तो ये इतनी सुंदरता से खेल खेला जाता है। अब इसमें कमाल की बात क्या है कि अगर हमें इस तरह की कोई सच्चाई जाननी हो कि क्या औरंगजेब ने ऐसा किया था या नहीं किया था, तो हमें किस पर निर्भर करना चाहिए? कोई बुद्धिमान प्राणी होगा तो क्या बोलेगा कि जो औरंगजेब ने कहा है उसके समय के उसके अपने जो अखबार आते हैं, उसकी अपनी जो कोर्ट क्रॉनिकल्स हैं, उनमें देखा जाए, ना कि इन झूठे मक्कारों से देखा जाए। तो जब आप औरंगजेब की अपनी जो उसका दरबार था उसमें अखबारें छपती थी, अखबारात थे उसके, उन अखबारात में ये बड़े क्लियरली मेंशन किया जाता है कि औरंगजेब ने फरमान जारी किया था कि हिंदुओं के सारे मंदिरों को तोड़ना है, सारे स्कूलों को तोड़ना है, सारी वेदशालाओं को तोड़ना है। तो उन्हीं के अंतर्गत जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसे तोड़ा गया था, तो वहां से क्लियर हो जाता है, लेकिन उसकी बात नहीं की जाएगी। और कमाल पता क्या है, ये जो जिस प्रोफेसर का मैंने आपको क्लिप दिखाया, उसके अगेंस्ट जब कॉलेज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने उसको प्रोटेस्ट किया तो उसने गेम क्या खेला कि मैं तो शेड्यूल कास्ट हूं, दलित हूं, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। तो विक्टिम कार्ड, झूठ बोलो और जब झूठ पकड़ा जा रहा हो तो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दो, क्योंकि हिंदुओं का तो मजाक उड़ाया जा ही सकता है, और अल्टीमेटली आपके पास हर तरह के कार्ड रहते हैं, मैं महिला हूं, मैं लोअर कास्ट हूं, मेरे साथ जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया गया, और मोमेंट तो खैर होते ही है, वो तो सदा ही विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं क्योंकि डरे हुए होते हैं। तो ये सारा खेल है जो मैंने आपके साथ आज शेयर करना था। सनातनी वॉरियर, वी शुड फॉलो इजराइल पेट्रन बाय डीलिंग विद दीज शांति दूत्स। वी शुड हैव अ हिंदू कंट्री लाइक ज्यूज इजराइल। होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम इस्लाम। सनातन वॉरियर जी, आपको समझ में आ गया, बड़ी अच्छी बात है, मुझे समझ में आ गया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारे नेता अलग टोन गाते रहेंगे कि इस्लाम तो शांति का मजहब है, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, तो हिंदू कंट्री बनाएंगे कैसे? अब इस पे विचार करने की आवश्यकता है कि हमारे पास आज चेतना जागृत हो रही है। हालांकि हिंदू समाज में बहुत सारे गद्दार मक्कार हैं, बहुत सारे सेक्युलर ने, देखिए ये नैरेटिव 100 सालों से चल रहा है, 100 साल से, यानी चौथी जनरेशन है जिसे आज ब्रेन वॉश किया जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है। तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ऑल रिलीजन आर सेम, अमर अकबर एंथनी, इस तरह की नौटंकी जो चल रही है उसने हमें बिल्कुल डम्ब बना दिया, पूरी सोसाइटी को कलेक्टिवली देखें।
अब यहाँ कितने लोग देख रहे हैं, 350 हो गए जो अभी इस लाइव डिस्कशन को देख रहे हैं। लेकिन अगर मेरी जगह पे कोई एक्ट्रेस होती तो उसके चैनल पे जाके देखिए उसको कैसे फॉलो करते हैं। तो जब हम समाज ऐसा है तो वैसे वैसे ही चलेगा ना। आपकी बात ठीक है कि हिंदू कंट्री होना चाहिए, बनाने की आवश्यकता है, बल्कि पूरा संसार हिंदू बनाने की आवश्यकता है, हमें कृणवंतो विश्वमार्यम की आवश्यकता है। लेकिन कम से कम यहां से आरंभ किया जा सकता है। पर वो कब होगा, जब हमारा क्रिटिकल मास उठ के काम करेगा, ताकि हम ये जो चेतना जागृत हो रही है ना, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, हम उसमें फंसे नहीं, जो उनकी चालबाजी हम नहीं उसमें फंसे, और कुछ समय के लिए एंटरटेनमेंट मोड से बाहर आ रहे हैं। वो कल परसों मैं देख रहा था ट्विटर पे किसी ने डाला था कि आप एक आम व्यक्ति को उसकी जो रेगुलर जरूरत है उसको एक नौकरी दे दो, एक छोकरी दे दो, एक घर दे दो, ठीक, वो उसी चक्कर में घूमता रहेगा, उसी में फंसा रहेगा, वो आपकी बात कभी सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी एस्पिरेशन ही बस वहां तक है, उससे आगे वो बढ़ ही नहीं सकता। तो जब तक हम समाज के रूप में इकट्ठे होकर ये काम नहीं करेंगे, तब तक ये समय ये कठिन हो जाएगा। संतोष मिश्रा जी, सुपर स्टिकर के लिए बहुत धन्यवाद, आपका आभार। सौरभ भदौरिया, सेक्युलर कहीं पूरी तरह बन ही नहीं सकता कोई। अच्छा, ये वर्ड ही ऐसा है कि ऐसे कोई भी धारण नहीं कर सकते लाइफ में जी। देखिए, अब वो हम डिबेट में तो जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने पूरे समाज को उल्लू तो बना ही दिया ना, पूरे देश को मूर्ख बना रखा है। श्रुति शर्मा, सर अगर कोई गाना भी लाइव आ रहा हो तो भी उसमें बहुत ज्यादा, हाँ ये जब मैं कोई एक्टिविटी करता था, फॉर एग्जाम्पल जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स लाने की एक कोशिश चल रही थी आज से 10-15 साल पहले, अभी भी चल रही है, तो उस समय होता क्या था, आप यूनिवर्सिटी में आप कैंपेन कर सकते हैं, क्योंकि आपको युवा मिल जाते हैं वहां पर जिन्हें आप समझा सकते हैं और प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो होता क्या था, अब सीरियस इशू था, जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, उसको समझना है, समझ के काम करेंगे, तो जो स्टूडेंट लीडर्स भी होते थे उनको भी भीड़ जुटाने में समस्या हो जाती थी। लेकिन किसी टुच्चे मुच्चे पंजाबी सिंगर का अगर कार्यक्रम होना होता था ना, तो लाइन लगा के उन्हीं स्टूडेंट लीडर्स के पास बच्चे पहुंचते थे कि हमें पास दिलवा दो। तो हम ऐसा समाज है, ठीक बात है आपकी, लेकिन इस मोड से बाहर आने की आवश्यकता है। जॉन सेना, जर्मन शेफर्ड का चैनल को ही देख लो, कितने लोग देखते हैं उसको। हाँ, हालांकि उसका वो पॉइंट अलग है, देखिए मेरे जो वीडियोस हैं लंबे होते हैं, अब उसके लिए एक तो समय रिक्वायर्ड है, समय चाहिए, प्लस आपका अटेंशन स्पैन उतना होना चाहिए। जर्मन शेफर्ड छोटे वीडियोस बनाता है, स्मार्टली बनाता है, उतना काम उस ढंग से करता है, क्योंकि उसे जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना है उनके लिए वन लाइनर्स काम करते हैं, हमें जिसको एड्रेस करना है वहां पर डिटेल में जाने की आवश्यकता पड़ जाती है। हिंदू राष्ट्र 60 ईयर्स वही निकल जाएंगे। बेस्ट ओपिनियन, हाँ ये क्या है, मस्जिद नहीं नफरत में गिरी मंदिर की कहानी है, नफरत नहीं किसी से, हमें उस नफरत को हरानी है, अब रुको नहीं, हमें ये कहानी सबको सुनानी है, नफरती झुके नहीं तो अब अंत उनकी कहानी है, जय श्री राम। हाँ ठीक है, ऐसा होना चाहिए। सोनल सिंह सर बिल्कुल सही बोले, अनएम्प्लॉयमेंट महंगाई का डर है हिंदुओं को, है लेकिन गजवा हिंद का नहीं। हाँ उन्हें देखे ना, उनको एक तो एस्पिरेशन वैल्यूज ऐसी दे दी गई, दूसरा अभी भी मीडिया में बहुत सारे लोग बैठ के आपको क्या बताते हैं कि ये ज्यादा गंभीर मुद्दा नहीं है, गंभीर मुद्दा क्या, आपको नौकरी नहीं दे रही सरकार। इसका अर्थ ये हुआ कि सरकार को 70 करोड़ नौकरियां क्रिएट करके रखनी है,
कि आप बच्चे पैदा करते रहें और सरकार नौकरियां देती रहे, नहीं देगी तो बकैत कुमार जैसे बैठ के बक बक करेंगे कि सरकार तो नौकरी नहीं दे रही, महंगाई की मार पड़ रही है। क्या लड़कियां उठाया जाना लड़कियों के बलात्कार से ज्यादा जरूरी है महंगाई की बात करना? हम महंगा खा सकते हैं लेकिन बहन बेटी देना अफोर्ड कर सकते हैं क्या? जीवित रह पाएंगे क्या उसके बाद? पूनम जी, आज का हिंदू समाज या तो में स्ट्रीट से एडीएचडी से ग्रसित है या फिर स्लो है, लाइक मिस्टर रॉजर्स नेबरहुड। एडीएचडी पूनम जी, मैं समझ नहीं पाया। ओके जी, आई गेस दैट इज इट। आज के क्वेश्चंस हमने ले लिए हैं शायद। रुद्र तिवारी जी, सुपर स्टिकर के लिए आपका धन्यवाद, आभार। हाँ जी, क्वेश्चंस कोई बचे हैं तो भेज दीजिए मेरे पास। मार्क गल्वेस्टोन जी, मार्क जी आपका, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातनी वॉरियर, हिंदूज आर अवेकनिंग, फर्स्ट टाइम धर्म का विजय होगा। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि अभी हुआ क्या है, पिछले 15-20 वर्षों में सोशल मीडिया के आने से वो अवेयरनेस आ रही है कि पहले तो हमें कुछ सच्चाई पता ही नहीं लगने दी जा रही थी, अब पता लगी है तो हमने उस पर एक्ट करना शुरू किया है और इट्स अ गुड बिगिनिंग। हमने शुरू तो कर दिया कम से कम कि हम किसी तरह से जो नैरेटिव वॉर था, एक्चुअली नैरेटिव वॉर एक लेवल पे नैरेटिव का ही खेल है सारे का सारा, उसमें अब हम कम से कम जवाब देने लगे हैं, ये स्टार्टिंग है। आपकी बात ठीक है इसमें, और अब हमें सोचना है कि कितना समय बचा है उसको पूरे से यूटिलाइज करके हम इसको वापस अगर जीत पाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी नेक्स्ट प्लीज। पूनम जी, हिंदू प्रिंसिपल, हाँ, उत्तम खेती मध्यम बांध निषिद्ध चाकरी ठीक निदान, कुछ जगह पे कुकर समान भी आता है। हाँ, मैं बार बार बोलता हूँ ये बात, तो कि हमने असल में अपनी स्ट्रेंथ छोड़कर जो वेस्ट का नैरेटिव था उसे पकड़ लिया कि हमें तो नौकरियां चाहिए, तो इसलिए हम मार खा रहे हैं। सिद्धांत मिश्रा, मत्री जी, हिंदू युवा को ही संपूर्ण हिंदू बनाना है। संपूर्ण हिंदू मुझे नहीं पता जी क्या होता है, लेकिन ठीक है, संपूर्ण हिंदू बनाए, योद्धा बनाए, उन्हें बनाने की आवश्यकता भी है और तभी हम लड़ पाएंगे। ओके जी, तो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। इतिश्री की ओर बढ़ते हैं, फिर मिलते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।